हेलो व्हाट्सअप गाइस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 90s के हीरोज की फीस के बारे में कि एक फिल्म को बनाने के लिए कितना चार्ज करते थे सुपरस्टार्स। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करिए ताकि हॉलीवुड टॉलीवुड और बॉलीवुड और सभी हीरोज के हम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचा पाए शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बढ़े हमारे सबसे पहले हीरो की तरफ, जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर 13 की तो दोस्तों हमारे नंबर 13 पे सैफ अली खान सर जी, जो कि अपनी एक फिल्म को बनाने के लिए चार्ज करते थे तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए। वहीं पे बड़े अगर हम हमारे 12वें नंबर की तरफ, तो हमारे 12वें नंबर पे शाहरुख खान सर जी। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान सर जी काफी शानदार एक्टर हैं और वो अपनी 90s के अंदर एक फिल्म को बनाने के लिए चार्ज करते थे 25 से 30 लाख रुपए। वहीं पे अगर बड़े हम हमारे 11 नंबर की तरफ यानी 11वें नंबर की तरफ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे 11वें नंबर पे सुनील शेट्टी सर जी, और उस टाइम पे उनकी शानदार बॉडी थी और वो अपनी एक फिल्म को बनाने के लिए चार्ज करते थे 30 से 35 लाख रुपए। वहीं पे बड़े अगर हम हमारे 10वें नंबर की तरफ, तो दोस्तों हमारे 10वें नंबर पे है अजय देवगन सर जी। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफी शानदार एक्टर थे और यह आज भी इनका स्टेडियम काफी शानदार बना हुआ है। वहीं पे दोस्तों मैं अगर बात करें इनके 90s की फीस की, तो ये अपनी एक फिल्म को बनाने के लिए चार्ज करते थे 35 से 40 लाख रुपए। वहीं पे अगर बात करें हम हमारे 9वें नंबर की, तो हमारे 9वें नंबर पे बॉलीवुड के खिलाड़ी, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार सर जी, और ये अपनी एक फिल्म को बनाने के लिए चार्ज करते थे 35 से 40 लाख रुपए। वहीं पे अगर बड़े हम हमारे 8वें नंबर की तरफ, तो हमारे 8वें नंबर पे आमिर खान सर जी, जो कि एक सिलेक्टेड फिल्म ही बनाते हैं। जी हां दोस्तों, ये अपनी एक फिल्म को बनाने के लिए चार्ज करते थे 40 से 45 लाख रुपए। वहीं पे अगर बड़े हम हमारे 7वें नंबर की तरफ, तो दोस्तों हमारे 7वें नंबर पे है बॉलीवुड की शान सलमान खान। जी दोस्तों, सलमान खान सर जी अपनी एक फिल्म को बनाने के लिए चार्ज करते थे 45 से 50 लाख रुपए। वहीं पे अगर बड़े हम हमारे 6वें नंबर की तरफ, तो दोस्तों हमारे 6वें नंबर पे है गोविंदा सर जी। जी दोस्तों, गोविंदा सर जी काफी शानदार एक्टर थे और एक ही सांस में पूरा डायलॉग बोलने का इनका रिकॉर्ड था। वहीं पे अगर बात करें इनकी फीस की, तो ये अपनी एक फिल्म को बनाने के लिए चार्ज करते थे 40 से 45 लाख रुपए। वहीं पे अगर बात करें हम हमारे 5वें नंबर की, तो हमारे 5वें नंबर पे है नाना पाटेकर। जी दोस्तों, इनके डायलॉग काफी शानदार होते थे और यह एक ऐसे लोते एक्टर थे जो कि गोविंदा के बाद में एक सांस में पूरा का पूरा डायलॉग बोल सकते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 90s के अंदर अपनी फीस थे तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए। अगर बड़े हम हमारे 4वें नंबर की तरफ, तो दोस्तों हमारे 4वें नंबर पे मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये काफी शानदार एक्टर थे और इनको एक स्ट्रीट डांसर और मार्शल आर्ट एक्टर भी बोला जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी एक फिल्म को बनाने के लिए चार्ज करते थे तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए। वहीं पर अगर बड़े हम हमारे 3रे नंबर की तरफ, तो हमारे 3रे नंबर पे दोस्तों सबसे ज्यादा महंगे एक्टर, जी हाँ दोस्तों, अनिल कपूर सर जी। इनका स्टारडम ऐसा था उस समय पे कि अगर ये फिल्म के अंदर खड़े हो जाए तो इनकी फिल्म सुपर डुपर हिट होती थी और दोस्तों उस समय पे ये चार्ज करते थे तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए। वहीं पे अगर बड़ा हम हमारे दूसरे नंबर की तरफ, तो हमारे दूसरे नंबर पे है सनी देओल। जी दोस्तों, इनकी आवाज में काफी दम था और इनकी जो डायलॉग रहते थे और एक्शन फिल्में रहती थी उनकी वजह से इनका स्टार्टअप भी काफी अच्छा चला और इनकी फीस हो गई थी 70 से 80 लाख रुपए। वहीं पे बात करें अगर हम हमारे पहले नंबर की, तो बॉलीवुड के माए बाप या यूं कहें कि बादशाह अमिताभ बच्चन सर जी। जी दोस्तों, आपको तो पता ही है कि 90s में इनके सभी सभी फिल्में हिट रहीं और 90s में इनकी एक फिल्म को बनाने का चार्ज था तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थे हमारे सभी सभी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की फीस 90s की। आपको इन सब में से कौन पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मैं अलविदा चाहूँगा आप सभी से अपने अगली वीडियो के लिए। जब तक ले ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का और अपने छोटे भाई का, चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, वंदे माता।